दोस्तों, जो लोग इन औषधियों को पहचान के इसका लगातार सेवन कर लें कुछ दिनों तक, तो उनकी काया ही पलट जाती है, खोया हुआ ताकत लौट जाती है, जवानी फिर से मिल जाती है। महिला हो या पुरुष, इन औषधियों का अगर सेवन कर ले तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। जो लोग ऐसी वनस्पतियों की जानकारी जान लेते हैं उनका जिंदगी धन्य हो जाता है, और जो लोग नहीं जान पाते हैं उनका जिंदगी नरक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ी बूटी की जानकारी की कमी के चलते वे लोग इधर उधर वैद्य डॉक्टर के पीछे दौड़ते रहते हैं और उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई लुटेरा है, लूटने के लिए बैठा है। जहाँ भी कोई गरीब इलाज कराने किसी के पास जाता है तो उसको सबसे पहले उसका कितना बजट है ये देख लेते हैं और उसका बजट के हिसाब से लूटने लगते हैं, या फिर ज़्यादा भी लूट लेते हैं। कोई भी आजकल निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, किसी की सेहत में सुधार लाना नहीं चाहता है, सब अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए जो लोभ के चक्कर में अपना क्लिनिक चलाते हैं, लोभ के चक्कर में अपना चिकित्सक प्रचार करते हैं, और जब कोई फंस जाए, उनके पास आ जाए आस लगा के, उम्मीद लगा के, तो उनको लूटने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, और बेचारा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भागता रहता है, दौड़ता रहता है। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पहले इस तरह का शिकार हुआ करता था और बहुत परेशान हुआ करता था, और अपना शरीर भी मैं बर्बाद कर चुका था। लेकिन जब से आयुर्वेद को जाना समझा, तब से मैंने खुद से हर समस्या का समाधान ढूंढ लिया, हर बीमारी का इलाज मैंने खोज लिया, और मैंने खुद को, अपने आप को तो ठीक किया ही, साथ में पूरे परिवार को सिर्फ जड़ी बूटियों से ठीक किया और हमेशा सुरक्षित रखा। 10 साल हो गए हमारे घर परिवार में किसी को किसी भी तरह से कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे समस्या हुए, रोग हुए, लेकिन बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हम लोग घबराते ही नहीं, हम लोग डरते नहीं, हम लोग उसका समाधान खुद कर लेते हैं जानकारी की वजह से। तो जिसके अंदर ज्ञान हो, लगन हो और कर्म सच्चा हो, तो वह हर चीज़ कर सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लगन से अपने शरीर को समझने की कोशिश कीजिए और कर्म से जड़ी बूटियों को पहचान के लाने की कोशिश कीजिए। तो खैर, मैं आप लोगों को आज जो पौधा दिखा रहा हूँ, ये शतावरी का पौधा है। इसे देख करके बहुत से लोग पहचान गए होंगे, और जो लोग नहीं पहचानते हैं देख करके पहचान लीजिए। इसे हम लोग अभी खोद करके दिखा रहे हैं कि इसकी कंद किस तरह से दिखाई देता है। इससे बड़ा बड़ा भी होता है शतावरी का पौधा, लेकिन ये छोटा है। तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से इसके कंद लंबे लंबे निकलते हैं, और इस लंबे लंबे कंद की जो गुण है उसे आप लोग जान करके, आजमा करके खुश हो जाओगे, सोचोगे अरे काश पहले पता होता। तो खैर, आपने इसके कंद देख लिए, अब इस कंद को आपको क्या करना है, खोद करके जंगल से ले जाना है और धो करके अच्छे से सुखा करके, छोटे छोटे काट करके, जब पूरी तरह से सूख जाए तो उसको मिक्सी से या फिर किसी भी तरीका से पाउडर करके रख लीजिए किसी डिब्बे में। अब इसका शतावरी का पाउडर बन गया, तो इसको आप दूध के साथ सुबह शाम एक एक चम्मच, लड़की हो या लड़का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सुबह शाम ले सकता है, दिन में 2 बार। इससे फायदा क्या होगा, इससे उसकी समस्त प्रकार की कमजोरी ठीक होगी, जो घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या एक एक चीज़ मैं क्या बताऊँ, हर प्रकार की कमजोरी दूर होती है, मतलब बिना हानि रहित किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, हर एक चीज़ का विकास होने लगता है। तो यह पूरी तरह से संपूर्ण कमजोरी नाशक है शतावरी का चूर्ण, लेकिन यह सबसे अधिक फायदेमंद महिलाओं के लिए होता है। उनकी जो अंदरूनी कमजोरी होती है उन सभी कमजोरियों को पूरी तरह से ठीक कर देता है, मतलब महिलाओं के लिए यह शतावरी एक वरदान से कम नहीं है। इसे दशमूल भी कहा जाता है, तो दशमूलारिष्ट काढ़ा भी आता है, दशमूलारिष्ट सिरप भी आता है, इसे आप दशमूल कंद भी कह सकते हैं। दशमूलारिष्ट होता है इसी औषधि की जड़ कंद का सार सिरप होता है। अब इसके बाद मैं आपको जो दिखा रहा हूँ पौधा, देख करके पहचान रहे होंगे, तो ये सफ़ेद मूसली का पौधा है। जब हमने इसको जंगल ढूंढने आए तो शतावरी भी मिल गया और सफ़ेद मूसली भी मिल गया, तो दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे औषधियाँ मिलते हैं जंगल में, लेकिन फिलहाल ये दोनों का एक साथ प्रयोग बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का लगभग गुणधर्म एक समान है, लेकिन शतावरी
महिलाओं के लिए है और जो सफ़ेद मूसली है ये पुरुषों के लिए है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए हो जाता है। तो आप सफ़ेद मूसली को इस तरह से कहीं भी दिखे तो आसानी से पहचान लेना और खोद करके इसके कंद को धो करके उसी तरह से सुखा करके पाउडर करके रख लेना। और चाहो तो आप शतावरी और सफ़ेद मूसली दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके ले सकते हो, शहद के साथ या दूध के साथ एक एक चम्मच सुबह शाम। इससे महिलाओं की हर प्रकार की कमजोरी दूर होगी। जो महिला हमेशा पतली दुबली रहती हैं या फिर जिनके अंदर वो उत्तेजना ताकत क्षमता जोश नहीं होता या फिर जिनको माहवारी की समस्या है, अनियमित है, गड़बड़ है, किसी भी तरीका से महिलाओं की कोई भी कमजोरी हो, माने ए टू जेड हर प्रकार की कमजोरी, निसंदेह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आंख बंद करके आपकी हर प्रकार की कमजोरी दूर होती हुई नज़र आएगी। पुरुषों की भी हर समस्या का निदान है इन औषधियों में। अगर कोई नपुंसक व्यक्ति भी इसे खा ले तो 15 दिन में मर्द बन जाता है। अगर इसके साथ साथ मैं आप लोग को दो चीज़ और मिलाने के लिए बता रहा हूँ, अगर उसका प्रयोग करोगे तो एक दिन में मर्द बना देगा। मतलब ये चारों औषधियाँ आपको इतना पावरफुल दमदार बनाएगी कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जो खोई हुई ताकत है वो एक बार चली जाती है तो दोबारा शायद नहीं आती है, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन एक बार क्या बार बार आता है, हजार बार आता है। लेकिन असली औषधि और सही तरीका होना चाहिए खाने का। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, सफ़ेद मूसली और सतावर, इसके साथ आपको मिलाना है अश्वगंधा और कौच बीज का पाउडर। मतलब हर एक चीज़ को, चारों चीज़ों को बराबर ले लेना है और एक साथ मिला करके किसी एक डिब्बे में रख लेना है। अब उसमें से एक चम्मच निकाल करके प्रतिदिन आपको खाना है, दूध के साथ, शहद के साथ या मिश्री के साथ, मौसम के अनुसार। ज़्यादातर मिश्री के साथ खाओ तो बेहतर रहता है। तो नॉर्मली अगर आप किसी भी मौसम में खाते हैं तो मिश्री के साथ खा सकते हैं। इससे मर्दों की शीघ्र पतन, नपुंसकता, नामर्दी एक दिन में ख़त्म हो जाती है। मैंने देखा है कई लोगों पे आजमा कर, खुद भी आजमाया है। मतलब यह पूरी तरह से टेस्टेड है और बाहर किसी भी औषधालय में जाओगे तो ये औषधियाँ आपको बहुत ही महंगी महंगी मिलेगी। ये सफ़ेद मूसली का तो 100 ग्राम का कीमत आपको 350 पड़ेगा, इतना ज़्यादा महंगा होता है। 100 ग्राम का 350 रुपये सोचो, जिसको अगर आप चाहो तो जंगल में जाकर आसानी से खोद करके ला सकते हो इस तरह से पहचान करके। और जो लोग जंगल भी नहीं जा सकते वे लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो और आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मिलता हूँ किसी और भी खास वनस्पति की पहचान और गुणधर्म लेकर, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, जय।